वृंदावनी परिवेश में 9 दिन जो हैं वो नव विलास के हैं महाराज। श्री श्याम सुंदर, श्री ठाकुर जी, प्रिया जी इन 9 दिनों में विभिन्न स्थानों पर नव प्रकार की 9 प्रकार की लीला करते हैं। एक प्रकार से देवी पूजन के बहाने से श्री जुगल जोड़ी आपस में मिलकर लीला विहार करती है, इसलिए इसको नव विलास कहा जाता है। ऐसा विशेष पुष्टि मार्ग में इसका वर्णन मिलता है। पुष्टि मार्ग में नवरात्रि का उत्सव ऐसे किया जाता है, जहां सबसे पहले दिन मुख्य सखी श्री चंद्रावली जी होती हैं। श्री ठाकुर जी चंद्रावली जी की कुंज में पधारते हैं। आज श्री ठाकुर जी सुनहरे लाल और सुनहरे वस्त्र धारण करते हैं। और उसका जो मुख्य भोग भी ठाकुर जी की सेवा के लिए आज बनाया जाता है, चंद्रकला। और साथ के साथ आज श्री ठाकुर जी की प्रथम विलास का क्षेत्र होता है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन में श्री ठाकुर, क्योंकि वृंदा तटस्था है तो दोनों को निभा लेती हैं, इस भावना से नवरात्रि का ये पहला उपक्रम बड़ी दिव्यता से चलता है। तो वैष्णव को ऐसा हम एक भाव कहें, आप प्रातःकाल अपना जो पारंपरागत अनुष्ठान है, आपकी श्रद्धा है, करें, भगवती का पूजन कर लें, सप्तशती पाठ कर लें, जो मैं क्यों आपको उसके प्रति अनमनस्क करूं, पर सब जब हो जाए, संध्या तक सब हो जाए, संध्या जब बिल्कुल ढल जाए, उस समय छोटा सा मनोरथ कीजिए, अपने श्री ठाकुर जी को बड़े भाव से थोड़ा सजा करके और कोई ना कोई चित्रपट रूप में, किसी रूप में छोटा सा एक एक सखी का स्वरूप वहां विराजमान करके पहले दिन उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा स्टिकर लगा दीजिए, या एक एक तुलसी दल के ऊपर अष्टगंध से, चंदन से लिख दीजिए वृंदावन। तो पहले दिन नवरात्रि करनी है अगर, एक अलग अलग तरकीब कह रहा हूं सिंगल सा, संध्या के समय सोवन से पहले कि आज हमारे श्याम सुंदर अपनी सखी चंद्रावली जी के संग श्री वृंदावन में विराज रहे हैं। और फिर आगे बात बनानी हो तो मैं तो सिंपल वाली बता रहा हूं, ज्यादा बात बनानी हो देन मीट मी सम अदर टाइम। तो ऐसा फिर दूसरा विलास है जहां प्रधान सखी हैं श्री ललिता जू, और आज की लीला श्री संकेत वन की लीला है महाराज। आज श्याम सुंदर संकेत वन में पधारे हैं और ये लीला करी है महाराज। आज श्याम सुंदर पीला वस्त्र धारण करेंगे, पीत वस्त्र धारण करेंगे, और विशेष रूप से श्री पुष्टि मार्ग में वर्णन है पन्ना के आभूषण पहनेंगे। प्रथम विलास में तो हीरा के, आज पन्ना के आभूषण, इन सब का एक एक प्रभाव है, पन्ना का आभूषण पहनेंगे। और श्री ठाकुर जी मोहन थार की सामग्री विशेष रूप से आरोगेंगे, ये भोग लगा लीजिए, आपकी ज्यादा रुचि बने रात्रि तो मोहन थार की भोग लगाएं, पीत वस्त्र पहनावे, और श्री पास में जो भी एक आपने सखी स्वरूप विराजमान करके भाव मनोरथ कीजिए, श्री ललिता जो हैं, और आज तुलसी जी के दल के ऊपर चंदन के द्वारा ऊपर लिख दें श्री संकेतवन, ऐसा सामने रख दें। और आज विचार करें कि हमारे श्री घर के ठाकुर जी संकेत वन में विराजे हैं, उसका भी अपना अपना मनोभाव, उसका अपना अपना पद है महाराज। रची में जो श्रृंगार आयो है वह श्रृंगार श्री ठाकुर ने ठकुरायन को पधरायो है महाराज, इतना ही बहुत है महाराज। और ज्यादा सुननी है तो आ जाइयो सिंगल साहब वृंदावन महाराज, और का है यही को भाव है महाराज। जय हो आपकी, जय जयकार हो, आपको प्रणाम है।
ये इसका मंगलमय स्वरूप है। तो महाराज तीसरा जब हो, मैं जल्दी जल्दी कह दे रहा हूं, फिर इसको आप बाद में आराम से कर लेना। तीसरा स्वरूप जो है उसकी सखी श्री विशाखा सखी है। आज श्री विशाखा सखी प्रधान बनी है, तो जो ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। और महाराज आज आपको हरा वस्त्र धारण कराइए, तीसरे दिन रात जब सब काम पूजा तवारी जो इधर वाली है वो निपट जाए, हरा वस्त्र धारण कराइए। और जो पास में सखी स्वरूप एक ऐसा मिल जाए या चित्र बना लो, या कुछ भी नहीं मिले तो श्री एक पुष्प विराजमान कर दो, कुछ भी न मिले, फूल जैसी हमारी ब्रज सखियां महाराज, तो पुष्प विराजमान करके मनोभाव रखिए कि श्री विशाखा जू आप पधारिए, यहाँ विराजिए, ठाकुर जी की सेवा में विराजिए, ऐसा भाव करके रखिए महाराज। और श्री निकुंज महल, आज की जो लीला स्थली है वो निभृत निकुंज महल है। ये निभृत निकुंज महल में आज श्री ठाकुर जी ने तृतीय विलास की लीला कीनी है, इसको इसी रूप से करिए। तो तुलसी जी का दल चंदन से लेके उस पर लिख लीजिए निकुंज महल, और सामने विराजमान करके, और भाव से ज्यादा कुछ नहीं हो तो ठाकुर जी को पुष्पार्पण कर दीजिए, आरती भाव जैसा कर लीजिए, क्योंकि विशेष मनोरथ में भगवान की आरती का भाव होता है, सभी जगह ये किया जा सकता है। इसी क्रम में जब चतुर्थ विलास होता है तो श्री चंद्रभागा सखी की कुंज में श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और आपका जो इस समय जो लीला स्थली है वो परसोली गांव है महाराज, ब्रज में आता है परसोली, तो परसोली गांव में श्री ठाकुर जी ने परसोल लीला का संपन्न किया है। आज श्याम सुंदर श्याम वर्ण को वस्त्र पहनेंगे, कारे रंग को वस्त्र धारण कराओ उनको। और महाराज बढ़िया सुंदर लड़ुआ ठाकुर जी आज पामेंगे, लड़ुआ भोग लगावो, और बढ़िया तुलसी दल पे परसोली गांव लिखकर श्री ठाकुर जी का आवाहन करो। इसी क्रम में जो पांचवी विलास है उसमें संजावली सखी, आठ तो मुख्य मुख्य हैं, ये फिर और भी अनंत सखी माना अरबों सखी हैं, तो आपका पूरा चरित्र है अलग, वो अभी अवकाश नहीं, हम तो नंद महोत्सव सुनाना था, पर अब ये भी तो महामहोत्सव हो रहा है महाराज, हमारे लालो इतनी जल्दी बरो है गए महाराज, नहीं तो यहाँ तो हमने कल सुनानी रहा सब आज ही सही। तो ये सुंदर संजावली सखी है, और कादरी वन आज की लीला स्थली है, यहाँ विराजमान करो। और श्री ठाकुर जी आज बढ़िया सुंदर आज श्याम वर्ण धारण करेंगे, हमने शायद भूल कर दी, कल में केसरिया वर्ण धारण करेंगे, कल में केसरिया मतलब पांचवें में, चौथे में केसरिया, पांचवें में श्याम वर्ण ठाकुर जी धारण करेंगे। इस तरीके से क्रम बनेगा। और फिर छठवां जब विलास आए तो श्री मुखराई सखी, श्री मुखराई सखी भी, श्री मुखराई सखी के पास ठाकुर जी विराजेंगे। और आज की लीला स्थली है श्री गोवर्धन जी, तो गिरिराज जी का मनोभाव कर लो, ये तो बहुत ही आसान है, कछ कर लो नहीं तो ऐसो कछु ने गोबर को लेपन चारों तरफ करके बढ़िया गिरिराज जी की कुंज में ठाकुर जी आपके गोपाल जी को विराजमान करो हमारे से, और क्या बढ़िया बात है, तो ये करो। और आज श्री ठाकुर जी गुलाबी वस्त्र धारण करने को चाव रखें, गुलाबी वस्त्र धारण कराओ। सातवां जब विलास हो तो कृष्णावती सखी है, और आज श्री गहवर वने, तो तुलसी दल में गहवर वन लिख के विराजमान कर दो, या बढ़िया ये तो मैं सिंपल तुम जैसा चाहो उसको निखार सकते हो महाराज। और फिर इसको बढ़िया सुंदर गहवर वन का भाव करके ठाकुर जी नीला वस्त्र आज धारण करना चाहते, ऐसा मनोभाव रखो। फिर जब आठवां विलास हो जाए तो श्री भामिनी सखी जी के संग श्री ठाकुर जी विराजमान होंगे। और आज श्री ठाकुर जी की लीला स्थली है शांतनु कुंड महाराज, आप वहां विराजते हैं। और श्री ठाकुर जी शांतनु कुंड में जल विहार भी करते हैं, तो जो जल नीला होता है, पानी वाला जो नीलापन आता है,
वैसा वाला श्री ठाकुर जी आज वस्त्र धारण करना चाहे, और जब नवमा विलास होता है तो श्री लाडली जी हमारी, श्री बरसानी की लाडली लाल जो श्री लाडली जी हैं, श्री लाडली जी के संग श्री श्याम सुंदर आज लीला करें। और आज की लीला स्थली है श्री वंशी वट जी, श्याम सुंदर प्रिया जी के संग, लाडली जी के संग। पद में लाडली शब्द है इसलिए लाडली ही शब्द, राधा रानी के एक विशेष भाव को लाडली कहते। लाडली शब्द जब जो वृषभान की बहुत लाड कर विवारी है, लाड पे चढ़ा रखी है, तो जो वृषभान की लाडली है वो मान कर सकती है। हाँ, ये उसका अनुभव है हमारा। श्री राधा शब्द कहोगे तो मान नहीं आएगा ज्यादा, जब लाडली शब्द कहोगे तभी महाराज महल में विराजती हैं, फिर लाडली लाल होता है महाराज, तब फिर चाव आता है, और बड़े घरानी की हमारी प्यारी जीव है। लाडली शब्द की ये महिमा है, तब श्री लाडली जो विराजती है, बंसीबट की सुंदर लीला होवे। और आज श्री ठाकुर जी श्वेत वस्त्र धारण करें, सफेदा बढ़िया भाव से पहन करके। और श्री ठाकुर जी आज मावे की सामग्री बढ़िया से आरोगनो पसंद करें, यही नवरात्रि के श्री राधा कृष्ण लीलामयी नवरात्रियों का सुंदर प्रवाह है। 9 दिन के बाद, फिर उसके बाद अंतरंग लाडली जी जब लीला चलेगी नौमी, तो लाडली की लीला केवल 9वें दिन तक नहीं चलती है, श्री लाडली जी की लीला फिर चतुर्दशी तक चलेगी, और फिर उसके बाद शरद पूर्णिमा आ जाएगी महाराज। फिर पूर्णिमा पे तो महारास का मनोभाव उपस्थित हो जाएगा, वो लाडली लाल की, वो लाडली लाल की।